अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू इकोनॉमिक्स लर्निंग। आई डिस्कस टैक्स ट्रीटी। टैक्स ट्रीटी को डिस्कस करेंगे। टैक्स ट्रीटी क्या होता है? ऐसा टैक्स जिसमें मुआहदा लिखा जाता है दो मुल्कों के बीच में, इसे टैक्स ट्रीटी कहते हैं। टैक्स ट्रीटी दो मुल्कों के बीच में दो तरफा एग्रीमेंट किया जाता है, जिसमें दोनों मुल्क अपने शहरियों की गैर फाल और फाल इनकम पर डबल टैक्स लगाने से जो इशू पैदा हो रहे होते हैं इनको सॉल्व किया जाता है। टैक्स ट्रीटी में जो शहरियों पर डबल टैक्स लगाया जाता है, इससे इशू को पैदा हो रहे होते हैं, इसके ज़रिए हल किए जाते हैं। कोई इंडिविजुअल पर्सन या कोई बिजनेसमैन जब किसी मुल्क में अपना सरमाया लगाकर कोई काम करता है, जिससे इसे अर्निंग हासिल होती है, जैसे मुनाफा वो कमा रहा है, इस पर कौन सा मुल्क टैक्स लगाएगा? इसको टैक्स ट्रीटी में इसका जो मसला है, कौन सा मुल्क टैक्स लगाएगा, इसको सॉल्व किया जाता है। आ टैक्स ट्रीटी इज अ बाइलेटरल टू पार्टी एग्रीमेंट Made by two countries to resolve issues involving double taxation of passive and active income of each of their respective citizens. Tax treaty एक दो तरफा agreement है, जिसमें दो मुमालिक अपने अपने शहरियों में से हर एक की गैर मुतहरक और मुतहरक इनकम पर डबल टैक्स लगाने से मुतलिक इश्यूज को सॉल्व करने के लिए किया जाता है। व्हेन एन इंडिविजुअल और बिजनेस इन्वेस्ट इन अ फॉरेन कंट्री, द इशू ऑफ विच कंट्री शुड टैक्स द इन्वेस्टर अर्निंग मे अराइज। जब कोई इंडिविजुअल या बिजनेस फॉरेन कंट्री में इन्वेस्टमेंट करता है, तो ये मसला पैदा हो सकता है कि कौन सा कंट्री सरमायाकारी पर टैक्स लगाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ टैक्स ट्रीटी बिटवीन कंट्रीज ए एंड कंट्री बी डिटरमाइंस दैट दे आर बाई लिटल विद होल्डिंग टैक्स ऑन डिविडेंड इज 10%। इस एग्जाम्पल में दो मुल्क हैं, मुल्क कंट्री ए एंड कंट्री बी, इनके बीच में मुआहदा हुआ है टैक्स ट्रीटी का, और इनका जो टैक्स है वो कितना है, 10% है। जो मुल्क ए है वो मुनाफे की अदायगियों पर मसूल लगा रहा है, जो मुल्क बी है उसको 10% के हिसाब से ये जा रहे हैं।